जिला आपदा प्रबंधन समूह की आज बैठक थी, जिसमें सभी सदस्यगणों का एकमत निर्णय हुआ है कि बाज़ारों को खोला जाए। नीमच नगर पालिका क्षेत्र चूँकि रेड जोन में भी है, तो इसमें जो भी मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार दुकानें खोली जा सकती हैं वो खोली जाएं। इस पर सारे सदस्यगण, सारे जनप्रतिनिधि सबका एकमत निर्णय हुआ है। और साथ ही साथ जावद, चूँकि अभी भी हमारे जावद में केसेस बढ़े हैं और अभी भी वहाँ के कुछ सैंपल वेटेड हैं, तो चांसेस है कि वहाँ नंबर केसेस बढ़े, तो वहाँ पे हम लोग जावद बाज़ार को छोड़ के बाकी सारे बाज़ार जैसे पहले हमने पूर्व में खोले थे सारे खोलेंगे। मनासा में भी सेम स्थिति रहेगी, बाज़ारों की एक समय फिक्सेशन हम लोग करेंगे 2 बजे तक का मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके साथ एक क्लोजिंग टाइम रखेंगे जिसमें उसको अपना बाज़ार व्यवसाय बंद करना है, तो वो 5 बजे तक शायद होगा या 4 बजे तक, वो हम लोग फाइनल शाम तक कर देंगे। लेकिन अब इसमें यही है कि बाज़ारों को हमको खोलना है। मंडियां हम लोग सारी चालू कर रहे हैं, नीमच नगर पालिका की मंडी भी चालू होगी, जो रोस्टर व्यवस्था हमने बनाई थी पूर्व में उसी व्यवस्था के साथ हम लोग सारी मंडियाँ हमारी चालू होंगी। जावद की मंडी भी चालू करेंगे लिमिटेड तौर पर, और कुछ उसका स्पेस हम लोग नगर पालिका में भी देंगे, नीमच नगर पालिका की मंडी में। तो प्रमुखता जो सबका एकमत निर्णय यही हुआ है कि अब जो सारे बाज़ार हैं वो खोले जाएं। नीमच नगर पालिका में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन अभी नॉन असेंशियल का रहेगा, तो नॉन असेंशियल हम पूरे दिन नहीं खोलेंगे, अभी कुछ दिन से शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे जैसे स्थितियां स्थिर होती जाएंगी फिर आगे भी हम लोग और रिलैक्सेशन बाज़ार में देंगे। जावद में जैसे मैंने कहा कि अभी केसेस वहाँ के अभी जो रिपोर्ट्स हैं हमारे अवेटेड हैं, कल ईद होने के कारण शायद सैंपल्स उतने नहीं आए, 2 की रिपोर्ट आई, मुझे लगता है आज रिपोर्ट्स हमारी मेजरली आ जाएंगी। जो एक पुराना केस था उनके लगभग 50 कॉन्टैक्ट थे प्राइमरी, तो वो लिस्ट आएगी, तो मुझे लगता है जावद में कुछ केस बढ़ने के चांसेस हैं अभी, बट मुझे लगता नहीं है घबराने की बात है, क्योंकि अभी ये जो हमारे 2 आइडेंटिफाइड फैमिली थी, इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ और ILI के केस निकले जिनको बुखार था, तो वो केस भी आइडेंटिफाई हो गए और उनका भी हम सैंपल ले रहे हैं। वंस हमारा ये वाला जो जितना भी टारगेट ग्रुप एक बार एड्रेस हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसके बाद हमारी स्थितियाँ काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी। लगभग हमारे 67 पेंडिंग हैं, और ये जो बिल्कुल प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे 2 फैमिलीज़ के, तो मुझे लगता है कि इसमें रिपोर्ट्स आज कुछ आएंगी। साथ ही साथ हमने कुछ डॉक्टर्स के डिप्लॉयमेंट वहाँ और बढ़ा दिए हैं, सर्वेज की इंटेंसिटी बहुत है, हम अभी कंटेनमेंट जोन के अलावा भी वहाँ के जो और भी वार्ड्स हैं वो भी उसका सर्वे आज कम्प्लीट हो जाएगा। लगभग 15-16 हज़ार की जनसंख्या है, 3 दिन से चल रहा है, आज शाम को कम्प्लीट हो जाएगा, और उसमें भी जो बुखार के पेशेंट अगर ऐसे होंगे उनके भी सैंपल्स किए जाएंगे, और उनका भी फिर हम लोग अगर लगेगा तो एज पर द रिपोर्ट ट्रीटमेंट। बाजार खोले जाएंगे, पूरा बाजार खोले जाएंगे, कुछ दुकानें खोली जाएंगी, रोस्टर का चलेंगे? नहीं नहीं, जैसे मैं बताता हूँ कि मनासा में पूरा बाज़ार खोला जाएगा, नीमच नगर पालिका चूँकि रेड जोन में है अभी शासन ने डाला हुआ है, शासन के हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, तो नीमच में सारी एसेंशियल्स की तो सारी शॉप्स खोली जाएंगी, नॉन असेंशियल जो होंगे उनको हम लोग रोस्टर में कुछ दिन देंगे, लेकिन उनको जितना टाइम बाकियों को मिला उनको टाइम भी उतना ही मिलेगा। जावद बाज़ार ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए खोला जाएगा, जावद के अतिरिक्त उपखंड में जो अन्य इलाके हैं, रतनगढ़ डिक्कन इस टाइप के जो इलाके हैं, वो सारे बाज़ार बिना रिस्ट्रिक्शन के जो समय सारणी हम पूरे ज़िले के लिए डिसाइड करेंगे उस हिसाब से खोलेंगे।